चाचू को दे दिया था। चलिए बना आया। घुमाने को तो बात है क्या? एक और बार एक रोटी। अच्छा एक रोटी इसकी बार क्या? चलो ठीक है। ये वाला घुमा देना। ये बात तो हम लोग आए बड़े भैया। बॉम्बे स्ट्रीट फूड की बात करूँ ना तो नॉनवेज जो सर्व करते हैं ऑन द स्ट्रीट दिल्ली में तो काफ़ी मिल जाते हैं, बाकी जगह भी मिल जाते हैं, बॉम्बे लिमिटेड है एंड वो जल्दी ना धीरे धीरे बंद होते रह रहे हैं। तो इट्स अ लेजेंड ऑफ बड़े मियाँ जिन्होंने आई थिंक 1948 या 46 में चालू किया था एंड वहाँ से अब तक इनकी जर्नी काफ़ी अच्छी रही है। स्टार्टिंग में इट वॉज़ अ सी कबाब प्लेस, ये एक मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन था तो काफ़ी सारे टूरिस्ट लोग इधर आते हैं सी कबाब खाने के। देन उन्होंने फिर चालू करा अपना थोड़ा ग्रेवी तवा आइटम। अब इतने बड़े हो चुके हैं कि इन्होंने सामने एक वेज काउंटर अलग से बनाया है और एक नॉन वेज काउंटर अलग से बनाया है। तो जो वेज काउंटर है दैट वाज द ओरिजिनल बड़े मियाँ, ये जो है ये एक एक्सटेंडेड है जहाँ पे हम नॉन वेज सर्व करते हैं। तो आप वेज खाते हो तब भी आ सकते हो, नॉन वेज खाते हो तब भी आप आ सकते हो बड़े मियाँ। अगर बॉम्बे आए हो बड़े मियाँ नहीं खाया तो क्या खाया? खाते हम लोग अब इनके सीख कबाब, इनका ब्रेन करी विथ चिकन एंड बैदा रोटी, देखते हैं क्या खाने में। प्राइस भी बताऊँगा। थोड़ा स्ट्रीट फूड की अगर बात करूँ तो बॉम्बे में स्ट्रीट फूड वेजिटेरियन है मेनली, बड़ा सस्ता है, लेकिन ये उसकी बिल्कुल ही रिवर्स है, ये नॉन वेज है और एक्सपेंसिव है।
तो प्राइस वाइज आपको बताता हूँ, एक बार इनसे मेन्यू मंगवा के, मटन सी कबाब है वह 230 रुपए का है, लेकिन प्राइस के हिसाब से कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव है, चाहे कहीं पर भी खा रहे हो सड़क पे 230 रुपए के लिए एक्सपेंसिव है। कदम इधर सस्ते मिलते हैं लेकिन आई डोंट नो द रीज़न, बैदा रोटी जो है जो फेमस है यहाँ बॉम्बे में 220 रुपए की है, ये मैंने कभी नहीं खा रखी बैदा रोटी, देखते क्या चीज़ है। रुमालिस को 30 और जो भेजा फ्राई है जैसे वो 250 रुपीज़, तो क्वालिटी देखिए कि छोटा सा है, इट्स एक्सपेंसिव आई थिंक, देखते हैं इट्स ओवर प्राइज और ओवर हाइप। देखो मेरे हिसाब से तो अगर टेस्ट अच्छा होना तो नथिंग इज़ ओवर प्राइज, टेस्ट अच्छा ना हो तो इट्स ओवर प्राइज। शुरू करते हैं इनके लेजेंडरी सी कबाब से, जूसी है थोड़ा, अंदर से पिंक है, इसमें बटर का और चर्बी का काफ़ी यूज़ हो रखा है। सीख कबाब अच्छे हैं, मटन सीख है, बैदा रोटी खा के देखते हैं। जो बैदा रोटी होती है उसमें आपका ना उसको शैलो फ्राई करते हैं, इसके अंदर एग होता है, चिकन होता है, बट दिस इज़ नॉट सो गुड। जो अंडा है ना, अंडा फ्लेवर्ड नहीं है तो काफ़ी ब्लांड फ्लेवर आ रहा है। मज़ा नहीं आया बैर रोटी खा के। अब टेस्ट करते हैं इनका भेजा फ्राई, देखने में तो काफ़ी स्पाइसी लग रहा है। जो कमी मुझे लग रही है ना यहाँ पे, खड़े मसालों मिसिंग है। हम तो दिल्ली से, हमें तो ये फूड खाने की काफ़ी अच्छी आदत है, खड़े मसालों की कमी है। आई थिंक मैंने तीन चीज़ें खाई है यहाँ पे, बैदा रोटी, ब्रेन करी एंड सीख। सीख की रेटिंग आई वुड से 9 out of 10, ब्रेन वुड बी अराउंड 6.5, बैदा रोटी 5। तो मेरे हिसाब से इट्स ओवर हाइप एंड ओवर प्राइस्ड, यस आई सेड इट करेक्ट एंड आई सेड इट, बड़े मियाँ इज ओवर प्राइस एंड इट्स ओवर हाइप। मत आओ यार, मतलब इट्स ओनली अगर सीख कबाब खाना तो आ जाओ, दैट्स टू इज़ वेरी एक्सपेंसिव सीख कबाब। आई थिंक मे बी लोकेशन हो या फिर थोड़ा इनका PR अच्छा है मार्केट में, तो यस सेलिंग इट फॉर सच अ थिंग। फूड इज़ नॉट गुड, मतलब फर्स्ट टाइम आई एम सेइंग इन मुंबई के खा के मज़ा नहीं आया और नंबर वन नहीं था, तो इज़ वन ऑफ द आइकॉनिक प्लेसेज जो खा के मज़ा नहीं आया। टू सी मोर सच ऑनेस्ट रिव्यूज ऑन आर चैनल, यू कैन यू नो सब्सक्राइब टू दैट बटन एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हो आप। हम आपको कोई भी जगह दिखाएंगे, पूरी ईमानदारी से दिखाएंगे, अच्छा होगा तो अच्छा बोलेंगे, बेकार होगा तो बेकार होगा। जोड़ क्या मैंने बोला, ये गया ना, बोलो। हम आए आयुब, दोनों ही कोलाबा रीजन में लोकेटेड है, दोनों ही ऑलमोस्ट सेम मेन्यू सर्व कर रहे हैं, लेकिन जो आयुब का मेन्यू है दैट्स अराउंड 20-15% चीपर देन बड़े मियाँ। बड़े मियाँ के पास जो एडवांटेज है वो हैवी वेट लेजेंड का, एंड कहीं ना कहीं उनकी काफ़ी वीडियोज फेमस है। और हम बात करें आयुब की, तो आयुब हैव जनरल पब्लिक सपोर्ट एंड प्राइसिंग का थोड़ा फैक्टर है, प्राइसिंग इसके 10-15% सस्ते है बड़े मियाँ से। तो वहाँ पर हमने खाया था सबसे पहले मटन सीख कबाब, तो मटन सीख कबाब खाते हैं पहले और थोड़ा लाइट में आते हैं और देखते हैं कि ये है मटन सीख कबाब। आई होप आप लोगों को पूरा रात का हम थोड़ा लाइट लेके शूट कर रहे हैं, लेकिन ये अराउंड 9 है, बड़े मियाँ वो 9.5, तो बड़े मियाँ के सीख कबाब वॉज बेटर, बट दिस इज गुड। लेकिन जो एक चीज़ मिसिंग थी बड़े मियाँ थी वो थी गार्लिक चटनी, ये साथ में दे रहे हैं अमेजिंग गार्लिक चटनी भी। अब हम खा रहे बैदा रोटी, जो मुझे इमीडिएटली फ़र्क लग रहा है यहाँ की बैदा रोटी और बड़े मियाँ की बैदा रोटी में, ये थोड़ी क्रिस्प ज़्यादा है, अच्छी तरीके से पकी हुई है दोनों साइड से।
दिस इज मोर फ्लेवरफुल. इसमें क्या है, बड़े मियाँ में दिक्कत ये थी, जो अंडा था ना वो ढंग से फेटा नहीं गया था, उसकी एक अलग से ही लेयर थी जो काफ़ी बकवास आ रही थी. इसमें पूरा चिकन अंडा मिक्स है, एकदम ऑमलेट टाइप बना के फेट के अंदर डाला है, तो प्रॉपर फ्लेवर आ रहा है. और ये बॉम्बे की बिल्कुल गार्लिक चटनी है तो गजब झा जाएगा. ये भेजा फ्राई क्योंकि भेजा शोर करता है. का जो मटन है काफ़ी टेस्टी है, इट हैज फ्लेवर्स, वो ढंग से पका हुआ है. आप देखो इसमें ऑयल भी अलग हो रहा है, भेजे को पूरा मैश नहीं करा गया, मतलब चंकी भी छोड़ दिया उसके. फ्लेवर है, मतलब उनका भेजा जो था ना वो बास मार रहा था, ये भेजा बास नहीं मार रहा. बट इनकी जो रेटिंग है ना इसकी, दिस इज अराउंड अगेन 8. प्लास्टिक के स्पून यूज नहीं कर रहे ये लोग, वुडन स्पूंस है. आई एम रियली हैप्पी विद द क्वालिटी. मैं इंडिविजुअल टेस्ट करना चाहूँगा इसको, प्रॉपर फ्लेवर है. रहे बड़े मियाँ से, हैंड्स डाउन जीत गई ये जगह आयुब्स. उसका सीख इनसे बेटर था, बट यहाँ पे जो चीज़ें डिस्प्ले में है, गार्लिक की चटनी जो दे रही है अमेजिंग है. और जो ये देखो ना, वाह, ये देख के मुंह में पानी नहीं आया तो बताओ. मैं तो बड़े मियाँ का खाना देख के मुंह में पानी नहीं आ रहा था. ग्रेट ग्रेट. तो ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए पहला हमने एक्सपेरिमेंट करा था, बड़े मियाँ वर्सेस आयुब्स. ऐसे और कोई कंपैरिजन बॉम्बे में देखना चाहो या दिल्ली में देखना चाहो तो हमें लिखो, हम जाएंगे दोनों जगहों का, आप उन्हें भराएंगे और देखेंगे बेस्ट जगह कौन है. पूरी डिटेल में बताइए क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है सेम डिशेज खा के. आपको ये फॉर्मेट अच्छा लगा हो, आप ही बॉम्बे से हो तो कमेंट करके बताओ, नहीं हो बॉम्बे से और यहाँ पे आ रहे हो तो कोलाबा रीजन में यू नो के आयुब्स भी है, यू कैन कम एंड हैव फूड एट आयुब्स. एंड बड़े मियाँ जाना चाहो फॉर सेल्फी खींचने के लिए कि मैं ताज के पीछे से खाना खा रहा हूँ तो जा सकते हो, आपकी मर्जी. क्या चाहिए, टेस्ट चाहिए तो इधर आओ, सेल्फी चाहिए तो उधर जाओ. तो आपको भी इंजॉय करनी है लाल चटनी गार्लिक वाली घर बैठे बैठे, तो सब्सक्राइब बटन दबा दो, शायद कंप्यूटर से ऐसी लाल वाली चटनी निकल जाए, वो घंटा जो बनाना चांसेस बढ़ जाएगा लाल चटनी निकल के. तो इसी निकल चावला, सी यू नेक्स्ट टाइम.